हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सोनिया एंड ही इज कार्तिक उज्जवल यू, और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है मेरी तबाही की दुनिया। क्या बोला तूने? कार्तिक इज मैरिड लाइफ। यस, और डोंट टेल मी कि तबाही की दुनिया, ठीक है ना? मैंने क्या तबाह कर रखी है आपकी जिंदगी? तबाह करने में रह क्या रहा, एक अच्छा खासा आदमी मुर्गा सा हो गया, इसमें क्या रह गया? मुर्गा सा हो गया? शक्ल देख के बता ना कहां से मुर्गे लग रहे हैं। गाइस बताना जरा, अच्छा खासा पहले हट्टा काटा में, हट्टा कट्टा 300 किलो का आदमी था पहले मैं। हाँ, अब बेचारे 200-250 किलो के रह गए हैं, है ना? खून चूस लिया मैंने आपका, खून पी के सारा मच्छर की तरह इंजेक्शन का सारा खींच लिया। और जो आपने मेरा खून पी रखा है सारे दिन मेरा पीते रहता खून, वो कुछ नहीं, बदला ना लूं मैं? मैं ना लूं बदला, मतलब धरती पे आप भी मेरे से बदला लेने आए हो? मैं नहीं ले सकते आपसे बदला, खून भी चूसे बदला भी ले। हाँ, क्योंकि आप भी ऐसे एज इट इज मेरे साथ कर रहे हो। तू कर ले, आप कर लो। हाँ, मैं तो कर रहा, मैं भी कर रही। निकल, आप भी निकलो, निकल तुर जा, निकलो, निकल, बदला तो होगा यहाँ भी होगा। तो जो धोखा देकर शादी करी गई ना, यहाँ धोखा देकर शादी करी गई है, दिखावा कुछ बाद में कुछ। एक सेकंड, पहले क्या दिखाया मैंने आपको ऐसा जो बाद में नहीं दिख रहा आपको? बताओ शादी के टाइम पे पीओपी क्यों चेहरे पे? यहाँ पे वो तो हर कोई करता है, एक्सक्यूज मी, आप नहीं गए थे पार्लर? सपोर्ट का डर गया था चेहरा देख के इसका। अगर तू अपना ये रूप पहले दिखा देती कैसा तो ये दुर्घटना ना होती शादी वाली। बस तो मैं भी जाती। खैर, फालतू पंडगी, सारा दिन मेरा खून। शादी करोगे ना सोच समझ के? नहीं, बाकी तो बिना सोचे समझे आ जाते हैं। ये लड्डू है, खाना तो सबको है, हम तो मरी जा रही होती हैं शादी करने के लिए। मरी जा रही थी। ओह गॉड, आप तो मरे ही नहीं जा रहे, तो देखो तो सही। हाँ, मुझे अकेली को शादी करनी थी इसलिए बेचारे। एक्सेप्ट नहीं करूंगा मैं, वो तो बोल दिया ना, एक्सेप्ट नहीं करूंगा, इसका मतलब कर मैं एक्सेप्ट मनी मन में, प्लीज। वो ही तो गलती भुगत रहा है यहाँ पे। हाँ तो भुगतो, सारी जिंदगी भुगतना है, तुम दूसरी तो अब ला नहीं सकते। हाँ, बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर नहीं आपके लिए, सॉरी यार। होना चाहिए था हिंदू मम्मी ना। हे बॉय, मेरा पाते शादी करो। तो आपको बाबा आदम के जमाने में पैदा होना था, राजा महाराजा? यस। नहीं, तब भी होऊंगा पक्का मैं, कोई ना कोई राजा तो पक्का होऊंगा। छोड़ से तो रानी मेरी होएंगी वहां पे, क्या पता मैं भी राजा ही हूं। क्योंकि उस जन्म में मुझे रानी नहीं बनना था। जिस आदमी की 5-6 पत्नियां हो क्या ही फायदा ऐसे आदमी के साथ। तो अभी देख ले अपने आपको, आप भी देख लो अपने आपको, खुश नहीं हो आप मेरे साथ? 100 रुपए ले और डिवोर्स ले ले। 100 रुपए लूं, डाइवोर्स ले लूं? वाह, मतलब जो शादी हमने करी ठीक है ना, उसमें खर्चा जो हुआ उसकी जगह पे मुझे सिर्फ 100 रुपए मिल रहे हैं डाइवोर्स लेने के। देखो तो सही ना राजा जी को। अरे एफिडेविट तो इतने का लगेगा, 100 रुपए का उसमें। हाँ, एहसान आपका, 100 रुपए मैं दे देती हूँ पर मैं डाइवोर्स नहीं दूं। चाहिए नहीं तेरे पैसा, तो हमें डाइवोर्स नहीं। निकल निकल, हो गया बहुत, आप भी निकलो। बकवास फालतू बन गया, आनी चाहिए मुझे। क्या बकवास कर रही वैसे? मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने इनकी कोई जिंदगी तबाह नहीं कर रखी बेकार। उन्हें कहा बता रही, तू मुझे बता, मैं जवाब दूंगा उस चीज का। इन्हें क्या पता बेचारों को। मतलब मैं इतनी बुरी तरह से रह रही हूँ यार आपसे, आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं करनी थी शादी अगर आपको ऐसे लग रहा था। क्यों करी, तंग कर दिया? मैंने जानबूझ के करी है? मैंने क्या फोर्स करा था आपको? पुलिस वाले थे आपके, गन लेके खड़े थे सर पे, मेरी मती मारी गई थी। हाँ तो मारी गई ना, अब तो भुगतो फिर। भुगतो क्या? पेंट लगा के यहाँ पर इजी हो जा, बिना पेंट पेंट उतरते सुबह के टाइम यहाँ उदबिला हो जाए। एक्सक्यूज मी प्लीज, वो पेंट नहीं होता ठीक है ना, मेकअप कहते हैं उसको। पीओपी हो वो, आपको जाना होता इतना पेंट चढ़ा ले यहाँ चेहरे पे, इतना पेंट। जब आपको कहीं जाना होता है तो आप क्यों तैयार होके जा रहे होते हो? तैयार दाढ़ी बनवा, एक सेकंड एक सेकंड, एक लड़का एक जींस पहन ले, थोड़ी सी कटिंग करा ले, यहाँ कट लगा ले, सिर्फ इतना काफी है, उसमें मैं तैयार हो गया। बाबा जी बंद करूंगा किसी की शादी में, किसे मिलने।
हाँ तो हमें तो थोड़ा तैयार होता है, एक स्त्री का परम धर्म है अच्छे से तैयार होके किसी के यहाँ जाने का। 30 घंटे लगा गए गाइस, अगर जिंदगी तबाह करनी है ना किसी की तो शादी कर, उसकी शादी करवा दो है ना। आप बेचारों को ये कहना चाह रहे कि कोई शादी ना करे धरती पे, कुंवारे बन के घूमे रहे। नहीं करो, आपने तो कर ली शादी, वाह। मेरी तो मजबूरी शादी करना। क्या मजबूरी थी आपकी ऐसी? मन करा शादी करने का मेरा। क्या कर रहा? मन कर रहा था। तो मन मन के लिए शादी करी आपने, फिर रात रात में मन बदल गया आपका? सुबह उठ के बदल गया मन चेहरा देख के यार। लेकिन शादी से पहले तो मैंने कोई मेकअप नहीं करा था जब एंगेजमेंट में आए थे आप। जो तेरे ना के बराबर है ना उसमें इतना तो पेंट फिर भी था। कोनी मार दूंगी एक। शाबाश बेटा। जो मेकअप के ऊपर कुछ कहा तो। मेकअप के ऊपर कुछ कहा तो। क्यों खाना अच्छा नहीं बनाती मैं? राजमा अच्छा नहीं बनाती आपका पसंदीदा? हफ्ते में दो बार राजमा बनाती हूँ, उनका पसंद का वो कुछ नहीं। एक दो गलती तो इंसान से हो जाती है। राजमा हाँ ठीक है खा लूंगा। आज रात को खाना फिर आप खाना ठीक है ना? बाहर से मंगा लूंगा। हाँ तो मैं भी खा लूंगी। एक मेड लगाऊंगा मैं। लगा लो। मेरे को या थोड़ी वो रहेगी, मैं अपने घर चली जाया करूंगी, बगल में घर होने के भी कुछ तो फायदे हो। प्लीज कर ले, सुंदर से लगाऊंगा। बड़ी लटक रही है सुंदर सी। ढूंढ लूंगा मैं भी एक बूढ़ी सी आंटी लेकर आऊंगी आपके लिए। जाओ मेड करूँ, तेरे साथ चेंज कर दूंगा मैं घर पे। मैं जाऊंगी नहीं इतने दिन के लिए, सुबह जाना शाम को आना। जिंदगी तबाह समझ गए ना कर रखी है, समझ गए ना अच्छे से करूंगी। नहीं समझ गए ना, एक काम वाले भी ढंग की नहीं लगा सकते घर में हम। काम वाली ढंग की कैसे मिल जाएगी आपको? 5-स्टार होटल में रह रहे क्या कि सफाई वाली जो कर्मचारी होती है वो भी हॉट हॉट सी मिलेंगी आपको? ढूंढेंगे भाई, लेके आएंगे, पैसा देंगे। मुझे दे दो, लो मैं बन जाती हूँ हॉट। तू पहले पेंट हटा के लड़की सी बन जा, वो काफी है। अभी तो नहीं करता मैंने पेंट, यार लड़की सी बनी हुई हूँ। गाइस कभी इसने पेंट किया हो ना तब देख लेना, आपको डिफरेंस कुछ समझ में आ जाएगा। ये ज्यादा हो रहा था यार, सीरियसली यार ज्यादा हो। अगर लड़की कहीं अच्छे से तैयार होके जा रही है तो उसमें आप ही का तो मतलब लेवल थोड़ा ऊपर हो रहा है ना। आपके सारे रिश्तेदार देख के कहेंगे वाह कितनी सुंदर बहू है, देखना बेचारेगी। अच्छा घर पे लड़का देखे फिर वो बिना मेकअप के? तो मैं भी तो देख लू ना आपको बिना बालों के, कभी कभार गंजे हो जाते हो जब, कितने बुरे लगते हो। वो तो मर्जी है ना, डेली नहीं होता है। हाँ, साल में दो बार। मैं भी डेली मेकअप नहीं करती। उस दिन क्यों कर रहा था शादी वाले दिन? वो तो जरूरी था ना, फोटोज वोटोज क्लिक हो रहा था ना हमारे, तो मुझे सुंदर। ये नहीं सोचा नेक्स्ट डे क्या होगा लड़के का? नहीं उसके आप खुलेगी तो? नहीं मैंने नहीं सोचा, बस कर दी तब। आप क्या चाह रहे हो, डेली मेकअप में रहूं आपके सामने सुंदर सी बन के? तू डिवोर्स ले ले। नहीं दू तो ऐसा करो डिवोर्स ले ले, मैं चाह रहा मैं दूंगी। शादी होगी दूसरी? नहीं करने दूं। प्लस तीसरी? नहीं दूं। हाँ लटक रही है, इंग्लैंड रह रहे क्या? अरे मैं कहीं भी रह रहा हूँ, शादी हो जाएगी बात खत्म। तू डिवोर्स देगा तो देख। मैं क्यों दूं? Why? Why? मैं नर्क बनाऊंगी जिंदगी, अब तो और बनाऊंगी। जॉब का क्या कर लोगे मेरा? क्या कर लोगे मेरा? और कुछ रह गया हो तो बता देना, समझ में आ जाएगा जितने हम लड़ रहे हैं। पता चल जाएगा बेचारे, दो रोज महाभारत रहती है दोनों आदमियों के घर में, दो ही लोग रहते हैं और उसमें भी देखो तो सही कितना लड़ते रहते हैं मेरे से। मैं लड़ रही हूँ कोई इनसे? गाइस ये लड़ाई नहीं है, ये प्यार नहीं है, ये प्यार है। प्यार ऐसे होता है क्या? तू कैसे होता है? गाइस ये मन की भड़ास है। आपकी भड़ास कुछ ज्यादा नहीं निकल रही है, मैं बता रही फिर आपको, देख लेना फिर आप बहुत पछताओगे। बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। मौका तो दे पछताने का। पछता ही रहे आप दिन ब दिन, मौका ही डाइवोर्स देते नहीं तो? नहीं तो डाइवोर्स का तो भूल जाओ आप, मैं आपको कोई डाइवोर्स नहीं दूं। क्यों नहीं दे भाई? नहीं अब मैंने शादी कर ली है और 7 जन्म तक मैं ही रहूंगी आपकी वाइफ, ये हमारा पहला जन्म है। निष्काम डूम डूम डूम, 7वां जन्म है ये, पहला जन्म है। क्या कर लोगे? भगवान कहीं हो ना पीछे ही है ना। मेरे महादेव 7वां जन्म। महादेव पहला जन्म, भक्त तो मैं ही हूँ त्रिकालदर्शी की। बेचारे कितना दुखी कर रखे है ना मैंने, ऐसा देखो तो चेहरों की तो लटक रहा हो मेरे बच्चा। सच है क्या तबाह कर रखी है यार मैंने ऐसी जिंदगी, जो आप इतना फ्रस्ट्रेटेड हो रखे हो मेरे से। और एक चीज और,
जो अब तक कैमरे में इसने नहीं किया, मारने वाला काम, वो शायद इसे डर है, मैं वीडियो डाल दूंगा यूट्यूब पे। जो आप मेरे दिन ब दिन मारते रहते हो मेरे गल पे, जो चाटा मारा भी थोड़ी देर पहले, वो प्यार था। इस वीडियो के बाद ये इंट्रोडक्शन हमने बाद में शुरू करा है, ठीक है, मिलकर, ठीक है, हम बहुत मिल मिल के वीडियो बना रहे हैं, है ना, ऐसे गुड गुड गुड, करो करो करो। तो इस वीडियो से पहले जो कांड इन्होंने करा ना, वो देखना कि कौन किस पे अत्याचार कर रहा है। देख चुके, मैं बेचारी काम कर रही थी, वो देख चुके, वो प्यार देख चुके मेरा। अगर आपको इतनी दिक्कत थी तो शादी क्यों करी मेरे से? अभी तो बताया वो पीओपी देख ली तेरे चेहरे की मैंने, बस पीओपी देख के प्यार हुआ आपको मेरे से? पीओपी देख के प्यार हुआ, देख तो लेती, देख लेती, इतना चढ़ा रखा पेंट, यहाँ क्या हाल हो दूसरे बंदे का? हंसू मैं इस बात पे? तू तो कुछ होना चाहिए, फंसा लिया मुर्गा। यू आर द मुर्गा इस तो? हाँ यार, One eternity later. मैं तेरे ऊपर देश में बहुत लगाऊंगा, मैं देश मांग रही है। मैं दहेज मांग रही हूँ आपसे। ऐसे भी कुछ नहीं, मैं लड़की के ऊपर लगा दो यार इल्जाम। हाँ यार, हाँ तो वो होता ना, अरे वो होता ना, लड़की दहेज नहीं लेकर आती है तो अपने सास ससुर पे मारपीट का इल्जाम लगा देती है, अब लगा दो ऐसे मेरे ऊपर? पुलिस वाले मजाक उड़ाएंगे, लड़की ने आपको मारा। पता चला अरेस्ट करने से पहले मेरे को आके देख रहे हैं, मैडम आप तो ठीक हो ना? लेकिन तो लेकिन समझ जाएंगे वो। क्या समझ जाएंगे मुझे देख के? मैं क्या शक्ल से मारने वाली लग रही हूँ? समझ जाएंगे देखते हैं, लड़की जहरीली है। क्या बोला तूने? जहरीली सीधी सी बन जाऊंगी। A few inches later. तेरे अच्छा ही, मैं क्या बोलूँ लोगों? जो है सो है, वो बताओ एक्चुअल। नहीं तो पहले वाला सीन में कट कर दूंगा, पता क्या बोलूँ तेरे बारे में? एक चाटा चाहिए क्या आपको? अच्छा अच्छा उन्होंने मेरी पत्नी बो गाइस वेलकम टू माय चैनल कार्तिक इज मैरिड लाइफ। मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, वो ध्यान रखती है मेरा खाने पीने का, हर चीज का। तभी मैंने ये चैनल बनाया है, समझ गए ना? समझ रहे हो? शादी करके मैंने कुछ किया आपके साथ? हाँ। क्या किया? जिंदगी तब मेरी। हाँ, नहीं इसका बदला लूंगा मैं। ले लो, मैं भी लूंगी, टिट फॉर टैट, जैसे को पैसा। घुसा मार दूंगी बहुत तेज। और मतलब मैं मार नहीं रही आपको, तो आप ऐसे करोगे? अरे यार मैं चाहिए तो रही हूँ, मार थोड़ा दूंगी। क्या कर रहे हैं ऐसे ऐसे करके? A few inches later. अब तो करी कहाँ है, अभी सिर्फ 3 साल भी नहीं, 2 ही साल हुए हैं, सॉरी 6 साल हो चुके शादी को, 2 साल हुए अभी। कब शादी हुई हमारी? शादी की डेट को क्या है, किस डेट को शादी हुई हमारी? मेरा बर्थडे कब आता है? वो एक एक करके पूछ यार, ये फंस गया। हाँ मेरा बर्थडे कब आता है? साल में है ना, उस महीने में है। हाँ किस महीने में है? मेरे से पूछ ले एक बार, मैं बता दूंगी। बता बता। 18 मई। वो तो मेरा है, अपना बता। आपका ही बता रहा हूँ, अपना क्यों बताऊंगी मैं? मुझे मेरा पता है। आपको नहीं याद ना मेरा? मुझे याद है। मेरा फोन नंबर क्या है? मुझे आपके दोनों नंबर याद है, आप मुझे मेरा नंबर बता। अरे मुझे तेरा नंबर याद है, बताने का नहीं, मैं सब सुन लेंगे। हाँ तो कैमरे पे नहीं, बाद में बताना, मुझे बताऊंगी। अगर मेरा नंबर याद नहीं रहा आपको तो मैं बता दूंगा। एक नंबर है मेरा, एक, इनके दो नंबर है, ठीक है, और इन्हें एक नंबर याद है मेरा। कभी इनके फोन से डिलीट हो जाए, मैं कहीं खो जाऊं तो कैसे फोन करेंगे? मुझे सब याद है, तेरा नंबर, मेरी डेट, वो क्या है, बर्थ डेट, तेरी बर्थ डेट, सब याद है ना मेरा? अरे रुक जा पागल, जिसने जिंदगी तबाह करी है उसकी डेट ऑफ बर्थ कैसे भूल जाऊंगा मैं, बताओ तो। तेरी सितंबर में है। अच्छा ठीक है, किस डेट है सितंबर में? देख लो मेरा बर्थडे सितंबर में, ओके, जैसा तेरा नेचर है ना, तेरी डेट 13 तारीख हो गई, 13-17। मैं बताऊँ तेरी डेट क्या होगी? 13। आप सही से याद करके बता रहे, मेरा डेट ऑफ बर्थ, डेट ये है बर्थ डेट। अरे ऑप्शन तो दे। क्यों ऑप्शन दो? ये भी बात है, तू मुझे 3 ऑप्शन दे ना, मैंने नाम बताया। केबीसी चल रहा है,
अरे खेल सी मचा रहा हूँ, मैं तीन बोला मैंने। हाँ तो मैं नहीं दे रही तीन, कभी कभार एक को हटा देते हैं। चल दो। नहीं दे रही, आपको याद नहीं, सीधे सीधे एक्सेप्ट कर। मुझे याद है, मैं नहीं बता रहा। कितने झूठे हो ना, जब याद है मुझे तेरा फोन नंबर भी याद है, मुझे दे रहा। फोन नंबर याद है, डेट ऑफ बर्थ भी याद है, बताने का इंतजार मुझसे, बता क्या कर लेगी। करूंगी, अब तो शुरुआत है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बाय बोल दो, कैमरे पे बैठे रहोगे। अच्छा, खबर भी लेनी है ना, कुछ बाय बोलने का है मुझे, खबर भी लेनी है ना अभी आपकी। ओके बाय, ठीक है गाइस। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। आगे नहीं आता हूँ मुझे, ये जिंदगी है। मुझे सिर्फ यही लाइन अच्छी लगती है, यही याद है मुझे। आई डोंट नो आगे क्या भेजा आपका, मेरे याद है ये दुनिया। वो इसका नहीं है, ये महफिल मेरे काम की नहीं, वो प्लीज किसी और गाने का मैच नहीं करो। तूने अपने अकॉर्डिंग गाया, मैंने अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। वो मैंने आपके लिए गाया था, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। तभी तो मैंने आपके ऐसे करा था, कुछ कॉल आप। मैं तो लगा ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। तो निकलो। ओके गाइस, तो ये हमारी छोटी मोटी नोक झोंक है, ठीक है। हाँ, घर पे रह रहे हैं हम दोनों एक साथ, तो हमें लड़ना तो पड़ेगा। जो मैंने बोला वो सच है क्या? ओके गाइस, आपने क्या बोला? मैं बोला थैंक यू सब्सक्राइब। जो मैंने बोला वो सच है, बहरी नहीं हूँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। मैं नहीं, मैं मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत प्यार से रहते घर में, समझ गए ना। चलो खत्म।